नमस्कार, मैं हूँ मानस समर्थ और हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवराज चौधरी। कैसे हैं सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज बहुत सारा सामान आप देख रहे हैं, ये वो सामान जो घर पर आपके अवेलेबल होगा। और आज डॉक्टर शिवराज चौधरी वो बताने जा रहे हैं जो मेडिकल इतिहास में शायद ऐसा आज तक नहीं हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ये है सर्कैडियन ट्रायंगल। अब ये क्या है और ये सब क्या है, मेरी समझ से तो बाहर है। तो आज ही सिर्फ जानते हैं डॉक्टर शिवराज चौधरी से। बताइए सर, ये क्या है और ये क्या आप करने जा रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, खासतौर पे अगर आपने जो लोग डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, बीपी की दवाई ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं, थायराइड की दवाई ले रहे हैं, जो आदमी मोटा है पतला होना चाहता है, पतला आदमी मोटा होना चाहता है, इस तरह की अगर या आपके जॉइंट पेन रहता है उसकी दवाई खा रहे हैं आप, तो कोई भी इंसान जो किसी भी तरह की नींद की गोलियां जो ले रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियां जो ले रहे हैं, तो इस तरह के जिन जिन दवाइयों की मैंने नाम लिया ये सब अगर ले रहे हैं, तो यूं मानिए कि जो अभी ये मैं बताने जा रहा हूं इसके बाद से लेके 72 आवर्स, इट इज क्योर एट द रेट ऑफ 72 आवर्स थ्रू सर्कैडियन ट्रायंगल। सर्कैडियन रिदम होता है, इसपे 2017 में एक नोबेल प्राइज भी मिला था, 2017 में, 5 साल पहले। तो इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने शायद पहली बार सुन रहे हैं। मैं पहली बार ही सुन रहा हूं, है ना, जबकि नोबेल प्राइज इन साइंस है, तो उसको कहीं छुपा दिया गया है। तो मेरा काम इतना कि वो सामने लाने का, राइट, उसको एक आसान भाषा। सर, ये जो आपको क्योर एट द रेट 72 आवर्स, जरा एक मिनट, दिख रहा है ये, इसमें ये रेड से क्यों है? 72 में 7 रेड से क्यों है? 7 है कि 2007 चेक पॉइंट्स, ओके, आपके जीवन के 7 चेक पॉइंट को आपने करेक्ट कर दिया एक एक करके, 1 2 3 4, वो 7 चेक पॉइंट में बताने वाला हूँ। ओके ओके, तो जैसे ही सारे 7 टिक हो जाएंगे तो दवाइयां एक एक करके छूटती चली जाएंगी। ओके, वो थायराइड की गोली हो सकती है, वो बीपी की हो सकती है, वो डायबिटीज की हो सकती है, वो कोई भी दवाई हो सकती है, पेन किलर हो सकता है, वो छूटते जाएगा। इवन जो रहने के फीवर आता है तो पैरासिटामोल लेते हैं तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। 7 चेक पॉइंट्स, राइट, और उसके लिए जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है 72 आवर्स, मतलब आज से 3 दिन और। अच्छा, राइट, तो देखते हैं 3 दिन में क्या करना आपको, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्टार्ट यहाँ से शुरू करते हैं आसान शब्दों में, क्योंकि मामला थोड़ा साइंटिफिक है, लेट मी मेक इट सिंपल। मतलब वो ये प्रोसेस है कि अगर आपकी कोई भी दवाई चल रही है तो वो दवाई आप 72 आवर्स में छोड़ सकते हैं। हाँ, ये 7 चेक पॉइंट्स को ठीक करते हुए। अच्छा, कैसे करना है? हाँ, ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्कैडियन ट्रायंगल कैसे यूज करना है। पहले तो समझिए हो गया आपके साथ, राइट, गड़बड़ क्या हो रही है, ये है आपकी, आप है, ये आपकी जिंदगी है, जिंदगी गाड़ी चल रही है आपकी, और जिंदगी गाड़ी में बहुत सारे कांटे बिछे हुए हैं, और जब कांटे चुभते हैं तो यहाँ बहुत सारे कांटे निकालने के ठेकेदार बैठे हुए हैं, छोटे ठेकेदार हैं, बड़े ठेकेदार हैं, उससे बड़े ठेकेदार हैं। तो इन्होंने बोला कि आप चलते रहो, चिंता मत करो, जब भी कांटा चुभे हमारे पास आ जाना, हम कांटा निकाल देंगे, फिर आगे बढ़ जाना। तो ये जो जितनी सारी दवाइयां ले रहे हैं ना, वो एक तरह से कांटे हैं, राइट, कि वो ये सिस्टम चल रहा है, आप अपने बॉडी में कांटे चुभो रहे हो और फिर उसके बाद जा रहे हो, वो दवाई बढ़ा के डोज दे रहा है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट। तो और करते 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 होगा क्या कि ये जो टायर है डैमेज हो जाएगा, और एक टाइम आएगा जब ये चलने लायक नहीं रह जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एंड स्टेज किडनी फेलियर या एंड स्टेज कैंसर, जो हमारे हिम्स हॉस्पिटल में हम जिनका इलाज करते हैं। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो इतने दयनीय स्थिति में आते हैं, इतना ज्यादा पेन उनको देख के लगता है कि काश कि हम उनको पहले कहीं रोक पाते। तो पहले वो पहले दिन से ऐसे पैदा नहीं हुए थे, पिछले 10 सालों से वो कांटे खाते जा रहे थे, दे वर ग्रेजुएटिंग टू व्हाट दे आर नाउ। फिर हमारा जो हॉट वाटर इमर्शन है, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी है, वो सबसे अब वो रिवाइव होके दोबारा वापस आ गए। तो हमें उतने सारे कांटे चुभोने क्यों है बॉडी में अगर अभी से हम इसको रोक दें, राइट। सो हम जैसे लोग भी यहाँ पे हैं, छोटे मोटे लोग हैं, बोलते हैं भाई आप अपना हेडलाइट ऑन कर लो और कांटों से बचते हुए आप निकल लो ना। तो ये जो आप आज का लेक्चर सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं कि पहले तो हमें पहचानना पड़ेगा कांटे हैं कौन कौन से, और फिर उनको हटाएं कैसे, और कांटे हट गए तो आपकी जिंदगी लंबी और क्वालिटी वाइज भी बेहतर हो सकती है। उन कांटों को पहचानेंगे तभी तो हटाएंगे, राइट। तो पहचानना शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले जरूरत है, देखिए लैपटॉप मोबाइल सबके पास है, अब ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये दिस कॉल्ड ईएमएफ टेस्टर, ठीक है, क्या बोलेंगे सर? ईएमएफ टेस्टर, हाँ, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेस्टर है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब ये लैपटॉप, ये आईपैड जो है बंद है, सिर्फ इसको ऑन किया मैंने, लाइट जल रही है, आप इसको पास में देखो, इसके जो नंबर है ये सेफ रेंज में होगा तो वो ब्लिंक नहीं करेगा, ठीक है ना। अभी अनसेफ रेंज में है, सेफ रेंज में आ गया, ठीक है ना,
लेकिन अगर मैं इसको चार्जिंग पे लगाने की कोशिश करूं तो चार्जिंग पे लगाते ही, अब मैंने चार्जिंग पे लगा दिया, अब ये दूर रखने के बावजूद भी अनसेफ रीजन में, आप देख रहे हैं इसका नंबर भी पहले से ज्यादा हो गया और ये अब बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, दिस बिकेम द अनसेफ रेंज, हालांकि दूर में भी, क्योंकि अभी चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने काफी दूर कर दिया, तो अब चार्ज लेकिन पास ले आऊंगा तो अगेन इट विल बिकम अनसेफ रेंज, ठीक है ना। तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए अनसेफ है, कितना 4-5 आप देखिए 10 गुना ज्यादा बढ़ गया, ठीक। अब इसको हटाने के बाद अभी भी अनसेफ तो है, लेकिन अब ये कम होने लगा धीरे धीरे। तो आपके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, यही एग्जांपल, ये जो कैमरा है आपका, ये जो मोबाइल आपका है, यहाँ पे एसी है, राइट, ये जो लगा हुआ, ये सारा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए ये रेड हो रहा है। हाँ, इसलिए बार रेड हो रहा है, ये सिर्फ, इट इज नॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली द आई बैड, इन्फ्लुएंस ऑफ रेस्ट ऑफ थिंग्स आल्सो, राइट। तो जितना दूर ले जाएंगे उसका हार्म कम होता है, जितना पास ले जाएंगे हार्म ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। आप जब रात को सोते हैं तो अपने आसपास चार्जिंग पे लगा हुआ है और सब है ना, तो उससे आपके बॉडी में इफेक्ट पड़ रहा है। तो यानी कि पहला स्टेप तो ये है कि आप इनको तो हटा नहीं सकते, डस्टबिन में फेंक नहीं सकते, मोबाइल को हटा नहीं सकते, कैमरे को हटा नहीं सकते, लाइट को हटा नहीं सकते, अपने बॉडी को 0 वोल्ट पे रख सकते हैं, द फर्स्ट थिंग, अपने बॉडी को, राइट। तो सबसे पहला सर्किडियन ट्रायंगल का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल बैलेंस, ओके, इलेक्ट्रिकल बैलेंस। कभी भी किसी का अंत होता है, देहांत होता है, जिसका विच वी कॉल एज कार्डियक अरेस्ट, देयर इज इलेक्ट्रिकल फेलियर, कार्डियक अरेस्ट जो होता है इलेक्ट्रिकल फेलियर। आपने देखा होगा फिल्मों में कि कोई कोलैप्स कर देता है, तो लोग डॉक्टर आते हैं और एक स्त्री की तरह इलेक्ट्रोड है वो बॉडी में लगाते हैं, करंट लगाते हैं, तो वो करंट क्यों बॉडी में दे रहे हैं, बिकॉज दैट वाज इलेक्ट्रिकल फेलियर। वो इलेक्ट्रोड क्यों टच कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल फेलियर। तो इलेक्ट्रिकल फेलियर कॉजेस डेथ, राइट, कि अचानक खड़े खड़े, आपने देखा कि लोग खड़े खड़े डांस करते हुए, गाड़ी चलाते हुए लोग अचानक मर जाते हैं, आजकल तो देखा आपने कार्डियक अरेस्ट कितने बढ़ गए, तो दैट इज इलेक्ट्रिकल फेलियर। तो इलेक्ट्रिकल फेलियर को प्रिवेंट कैसे करें, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा हमारे आसपास, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे, राइट। तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए करना सिर्फ होगा कि आपको ज्यादातर समय 0 वोल्ट पे रहना पड़ेगा। 0 वोल्ट क्या है, 0 वोल्ट जब आपका पैर अर्थ पे पड़ता है, जमीन पे पड़ता है, मिट्टी में पड़ता है, तो अर्थ 0 वोल्ट पे है, तो आपकी बॉडी भी 0 वोल्ट पे तभी आ जाती है। लेकिन हम कितने समय मिट्टी में रह सकते हैं, बहुत ज्यादा समय तो नहीं रह सकते, कई लोग तो है कि मिट्टी को टच ही नहीं कर पाते। तो अर्थ को अपने तक लाने का तरीका, अब यहाँ पे देखिए, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये जो तार है, ये तार अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, ये जो तार देख रहे हैं, ये जो तार देख रहे हैं, ये सीधे ग्राउंड फ्लोर में जाते हुए जमीन के अंदर गाड़ा हुआ है 1 फीट तक, तो वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसमें पानी में घुल रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेब है, ये आपके आने से 2 घंटे पहले मैंने सेब को पानी में रखा था, और ये बॉटल में भी हमने सेब रखा पानी में आपके आने से पहले। ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं करके कि इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि ये जमीन से जुड़ा हुआ है थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं 0 वोल्ट पे। अब ये तो कल तक अगर देखेंगे तो ये पूरा गल चुका होगा, लेकिन ये गलेगा नहीं, ये फिर भी काफी साबुत रहेगा क्योंकि इसमें 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, okay. हो तो रहा है लेकिन बहुत कम स्पीड से, ऑक्सीडाइज कम हो रहा है। अगर आप अपने बॉडी को 0 वोल्ट पे रख पाते हैं ओवरनाइट, सिंपली यही तार मैं लेता हूं और ये तार लेके, ये तार मैं ले लिया और मैंने उंगली में से लगा लिया, अब मैं सो गया ओवरनाइट, राइट, या ऐसे बेडशीट जो हम बनाते हैं हॉस्पिटल में, हमारे हिम्स प्रीमियर गुड़गांव हॉस्पिटल में हर पेशेंट के लिए लगा हुआ है, तो ओवरनाइट एंटीऑक्सीडेंट मेरी बॉडी में बन रहे हैं, ओवरनाइट इलेक्ट्रॉन फ्लो बॉडी में बढ़ रहा है, तो जो जो हमारी जो हीलिंग पावर बढ़ रही है, यानी कि जो पेन हो रहा था, अर्थराइटिस का पेन था या जॉइंट पेन जैसे बोलते हैं, या हेडेक जो था, या नींद नहीं आना, वो सब प्रॉब्लम पहली रात में खत्म हो गई। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर्कैडियन ट्रायंगल को कंट्रोल करने का, इसको वापस इसी में लगाते हैं, इसको डाल के, हाँ ठीक है, इसको ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इलेक्ट्रिकल बैलेंस।
दैट इज द फर्स्ट स्टेप. इलेक्ट्रिकल बैलेंस के लिए दो स्टेप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपने आप का जितना हो सके अवॉइड कीजिए, और दूसरा अपने बॉडी को जीरो वोल्टेज पे, बॉडी वोल्टेज आपकी जीरो पे दिन में कम से कम 6 घंटे हो, 24 घंटे में. दैट इज द फर्स्ट थिंग. योर डिजीज, योर ब्लड शुगर विल स्टार्ट ड्रॉपिंग, योर ब्लड प्रेशर विल स्टार्ट ड्रॉपिंग, योर पेन विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. दीज थिंग्स यू कैन सी. दैट इज द फर्स्ट ट्रायंगल का पहला है इलेक्ट्रिकल बैलेंस, राइट. अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा फिजिकल और मैकेनिकल बैलेंस. जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक इज ए मैकेनिकल फेलियर. कार्डियक अरेस्ट इज इलेक्ट्रिकल फेलियर, बट हार्ट अटैक इज ए मैकेनिकल फेलियर. हार्ट अटैक में ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज इज ए फिजिकल थिंग. तो दैट इज फिजिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर. सो फिजिकल फेलियर, कोई ट्यूमर है, दैट इज ए फिजिकल मैकेनिकल फेलियर. या ये जो हमारे किडनी पेशेंट्स हैं जिनका हाथों पैरों में स्वेलिंग होती है, दैट इज ए फिजिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर, जिसमें वॉल्यूम आप देख पा रहे हैं विजुलाइज. इलेक्ट्रिकल फेलियर में इलेक्ट्रिसिटी को यू कैन नॉट सी, बट ये फिजिकल चेंजेस को यू कैन सी. जो ब्लॉकेज है, जो अंदर जाके आप झांक सकते हैं ब्लॉकेज कितना बड़ा है, बताते हैं डॉक्टर 80% ब्लॉकेज हो गया. दैट इज फिजिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर. तो मैकेनिकल फेलियर कैसे एड्रेस करना है, कैसे ठीक करना है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज 360 डिग्री पोस्टुलर मेडिसिन. जो आपने हमारे हॉस्पिटल में देखा, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी है, या हॉट वाटर इमर्शन है, या पोस्चर चेंज करके जिस तरह से हम प्रोन वेंटिलेशन कराते हैं पेशेंट्स को. तो यानी कि आपके प्रॉब्लम के अनुसार आपके पोस्चर में या हीट के माध्यम से, ग्रेविटी के माध्यम से क्या बदलाव लाएं, ताकि वो जो ब्लॉकेज है, वो जो स्टोन है, वो जो स्वेलिंग है, वो जो ट्यूमर है, वो रिग्रेस हो जाए. दैट इज यूर बैलेंसिंग बैक, इट इज कॉल्ड फिजिकल बैलेंस. फिजिकल बैलेंस तो फिजिकल चीजों से ही होगी, दैट इज थ्रू ग्रेविटी एंड हीट ही हो सकती है. जिस तरह से इलेक्ट्रिकल फेलियर को इलेक्ट्रिसिटी ही ठीक कर सकता है, तो फिजिकल फेलियर को फिजिकल चीजों से ही, ग्रेविटी या हीट, इन दोनों से. दीज आर द टू टूल्स विच वी यूज, राइट. सो अब आते हैं तीसरा ट्रायंगल है केमिकल इम्बैलेंस. जैसे डायबिटीज है, दैट इज केमिकल इम्बैलेंस. अब डायबिटीज में जो ब्लड शुगर के पेशेंट, खासकर जो इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन ज्यादा चला गया, इंसुलिन उतना चला गया बट उसने खाना कम खाया, तो क्या होगा, ब्लड शुगर विल कम टू लो, दैट विल कॉज कोमा. कोमा इज ए केमिकल फेलियर. कोमा जब हो गया तो वो केमिकल फेलियर है. तो कोमा कॉजेज डेथ, कार्डियक अरेस्ट कॉजेज डेथ, हार्ट अटैक कॉजेज डेथ. तीनों से ही डेथ हो सकती है, लेकिन कोमा इज ए केमिकल फेलियर, कार्डियक अरेस्ट इज इलेक्ट्रिकल फेलियर, हार्ट अटैक इज ए फिजिकल फेलियर. तो आप देख रहे हैं तीनों का इंटरवल डेथ है, तीनों ही क्रिटिकल है, राइट. तीनों में डेथ होता है, राइट. लेकिन तीनों के जो रास्ते हैं वो अलग अलग है, तीन रास्ते हैं. इन तीन रास्तों को जो जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड सर्कैडियन ट्रायंगल. एक हमारी बॉडी की रिदम होती है, सर्कैडियन रिदम, राइट. इसका छोटा सा एग्जांपल, जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा में कोई तबला बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई और इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, सारे लोग अच्छे हैं बजाने में, लेकिन अगर तीनों में, चारों में तालमेल नहीं है, तो वो लोग कितने भी अच्छे बजाएं, दैट कैन नॉट बी ए म्यूजिक. वो नॉइजी होगा, आपके लिए शोर ही होगा, वो शोर होगा, क्योंकि बजाते रहे अच्छा, बट देयर इज नो कोऑर्डिनेशन. तो जो आपस का जो कोऑर्डिनेशन है, इसे कहते हैं सर्कैडियन रिदम. दैट इज द कोर ऑफ एवरी डिजीज. यही 2017 का जो अगर आप नोबेल प्राइज विनिंग साइंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा, 2017, लेकिन नोबेल प्राइज मिलने के बाद भी किसी को पता नहीं चला. तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं कि कैसे इसको अपने जीवन में उतारना है. अगर इन तीनों को आपने बैलेंस कर दिया, तो देखिए ये जो 7 है, दैट इज 7 चेक पॉइंट की जो बात कर रहे थे, चेक पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड की स्टेप 1. जैसे हमारे पेशेंट को हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द फर्स्ट चेक पॉइंट. अपने घर में, अपने बेडरूम में जब आप सो रहे हैं, तो आपके 8 फीट के दायरे में या उस कमरे के अंदर कोई फोन ना हो, कोई कंप्यूटर ना हो, हो तो स्विच ऑफ मोड में हो, या फिर फ्लाइट मोड में हो, चार्जिंग मोड पे तो बिल्कुल ना हो, एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं, राइट. बॉडी वोल्टेज को जीरो, दैट सेकंड चेक पॉइंट. कैसे जीरो करना है, इसके अलग से वीडियो हमने बनाए हैं पहले भी, उसमें आप देख सकते हैं, राइट. दैट सेकंड चेक पॉइंट. थर्ड चेक पॉइंट हीट, एंड फोर्थ इज ग्रेविटी. इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. ये हमने पिछले एक साल से बड़ा ही प्रचार करने की कोशिश की, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, जिससे हम डायलिसिस के पेशेंट के डायलिसिस छुड़वा देते हैं, जिससे कैंसर के पेशेंट की पेन हम कम कर देते हैं. ग्रेविटी एंड हीट, तो हीट का मतलब जैसे हॉट वाटर इमर्शन का, और ग्रेविटी का मतलब है हेड डाउन टिल्ट थेरेपी है, प्रोन वेंटिलेशन है. तो ये दोनों, दीज आर द टू मोर चेक पॉइंट, यानी कि फोर्थ चेक पॉइंट हो गए, कि आपके लिए कौन सा हीट कितना सुटेबल है, कौन सी थेरेपी, ग्रेविटी वाला कौन सा सुटेबल है, दैट्स अ फोर्थ चेक पॉइंट, राइट. फिफ्थ चेक पॉइंट इज लिविंग फूड, जो जिसे हम डीआईपी डाइट बोलते हैं. डीआईपी डाइट में जब भी आप कोई चीज खा रहे हैं, दैट इज इन द सेम फॉर्म एज द गॉड हैज मेड, नेचर हैज मेड, दैट इज
fruits and vegetables, living food. Dead food कौन से? जो cooked food, that is the dead food. And living water. Three pot system हमने सिखाया. I'm sure कि thalassemia के जो patients हैं, ऐसे patients जिनको हफ्ते में एक बार blood transfusion कराना पड़ता था for last several years, उनके transfusion ही रुक गए. And it has been many months already. तो उन्होंने क्या किया? सबसे बड़ा बदलाव किया, लिविंग वाटर, अपना पानी बदल दिया. आप जो पानी ले रहे हैं आरओ का, दैट इज मिनरल डेफिशिएंट, मिनरल को स्ट्रिप ऑफ करके जो पानी आपको मिलता है, लेकिन आपको लिविंग वाटर लेना है. थ्री पॉट मेथड, हमारी जो किताब है क्योर फॉर ब्लड डिसऑर्डर, उसमें थ्री पॉट मेथड का पूरा सिस्टम दिया हुआ है. कैसे आप बना सकते हैं? तो वो दैट इज द सिक्स्थ चेक पॉइंट. एंड सेवेंथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट इज इन छह को मिलाना, दैट इज कॉल्ड सर्केडियन ट्राइंगल. तो अगर आपने अचीव कर लिया, जिसको अचीव करने में 72 आवर्स यानी कि 3 दिन नॉर्मली मैंने देखा लगता है, इफ यू कैन अचीव इट, देन इट इज इक्विवेलेंट टू, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में जितने सारे कांटे थे उनको आपने पहचाना, एक एक करके हटाते गए और अब रास्ते में कोई कांटे नहीं है. और अगर कभी कांटे आ भी गए तो आपको पता है कैसे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है. तो याद रखिए कि अगर आप उनमें से हैं जो दवाइयों पे हैं, बीपी की गोली ले रहे हैं, डायबिटीज की गोली, सोचते हैं एक गोली तो ले रहे हैं, तो हमारे पास अभी जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, जो डायलिसिस पे चल रहे थे, अब तो खैर ठीक है वो लोग बिकॉज ऑफ ऑल दिस राइट, लेकिन उनकी जिंदगी आज से 10 साल पहले ऐसी ही थी. वो एक एक गोली लेते थे, अरे एक ही गोली तो है. इसे हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में, इसके एक टर्म है, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम. बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है. एक मेंढक लीजिए, फ्रॉग जिसे कहते हैं, और एक पतीले में उसे डाल दीजिए. अगर उस पतीले में पानी बहुत गर्म है तो क्या करेगा? जंप करके भाग जाएगा. लेकिन पानी गर्म नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो उसमें डाल दिए तो वहां ठहरा रहेगा, रुका रहेगा. अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाइए, बहुत ही स्लो, हर घंटे 1 डिग्री राइट, या हर घंटे 2-3 डिग्री, ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो वो धीरे धीरे उसको एहसास ही नहीं होगा. और एहसास ही नहीं होगा, आखिर तक उसमें वो उस गर्म पानी में, बॉइलिंग वाटर में उबलता हुआ वो मर जाएगा. लेकिन भागेगा नहीं, भागेगा नहीं, क्योंकि जब तक वो रियलाइज करेगा तब तक वो इतना कमजोर हो चुका होगा, उसके पैरों की शक्ति चली जा चुकी होगी बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग वाटर, नियर बॉइलिंग वाटर. कि जब तक वो रियलाइज करेगा तब तक वो इस लायक ही नहीं कि वो छटपटा रह जाता है. एंड देन द फ्रॉग एक्चुअली डाइज, वो उसकी मौत उस फ्राइंग पैन में ही हो जाती है. इसे कहते हैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम. अब जब उसको बिठाया गया था, उसका कोई दोस्त आके बोले भाई इसमें से हट जाओ, पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है गर्मी, तो शायद वो हट जाता. वही गलत दोस्त का काम हम और आप कर रहे हैं, ठीक राइट, कि यहां से जा रहे हैं आप तो सोच रहे हैं यार एक ही कांटा तो है, कोई बात नहीं दवाई खा लूंगा, कोई बात नहीं, सभी तो खाते हैं, सभी खाते हैं. आप अपने बॉडी में डैमेज इतने स्लो रफ्तार से बढ़ाते जा रहे हैं कि उस फ्रॉग की तरह, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम की तरह आपको एहसास ही नहीं हो रहा है कि एक दिन जाके वो डेड ट्रैप में फंसने वाले हैं. वो जो डेड ट्रैप है वो कौन है? ये बड़े सौदागर हैं. अभी ये छोटे हॉस्पिटल्स हैं, छोटे क्लिनिक्स हैं, इन तक काम चला रहे हैं. फिर ये यहाँ पे इसको आप बोलोगे बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े डॉक्टर्स, बड़े हॉस्पिटल जो दिखने में बड़े हैं, मतलब बड़ी बिल्डिंग बोल सकते हैं राइट. बड़ा वो होता है जो आपको रिलीफ दे, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, मेरे हिसाब से वो बड़ा आपके लिए, ना कि वो जो बड़े बनने के लिए वही आपके पैसे से ही वो बड़े बने. तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो इंसान कोई सोचता है कि लोग बोलते हैं वो फ्रॉग तो इतना बेवकूफ है कि वो वहीं बैठा रह गया, लेकिन आप अपने आसपास देखिए, अपने आप को तो देखिए, आप क्या कर रहे हो? उससे अलग कुछ तो ना कर रहे हैं. व्हाट यू आर डूइंग द सेम थिंग. अभी उठ के जाएंगे वीडियो के बाद, अभी गोली डायबिटीज खाएंगे, यू आर लाइक अ बॉय. वो एक एक डिग्री बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर, आपकी हालत डैमेज होती जा रही है. एक दिन उसी को हार्ट अटैक होता है, एक दिन उसी को हार्ट अटैक होता है, उसी को कार्डियक फेलियर होता है राइट. और अगर किस्मत बहुत बुरी रही तो वो डायलिसिस का पेशेंट बनता है, तो मतलब वो छूटता नहीं आसानी से. जब तक उसका जान और माल दोनों निचोड़ नहीं लेते बाय द बिग फार्मा कंपनी, तब तक वो पेनफुल कंडीशन में रहता है. तो दैट इज द ट्रुथ. तो इस जो वीडियो का जो हमारा प्राइम मकसद है कि आपके इस जर्नी में हम उस फ्रॉग की तरह का दोस्त बनना चाहते हैं, पहले ही बता देना चाहते हैं कि देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी मौका है, जंप करो, भागो. अच्छा भागे तो भागे कैसे? तो आपके हथियार है,
जितनी सारी चीजें मैंने बताई इनमें से एक भी ऐसी चीज नहीं जो आपके चैनल में पहले से नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। हमने सारा कुछ इलैबोरेटली अपने अपने बाकी जगह बताए हुए हमारी किताबें हैं bishrup.com/ebook में जाके ये सारी चीज आप पढ़ सकते हैं अगर अब तक नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट बल्कि आप वहाँ पे फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पैसे भी खर्च नहीं करने। तो ये सारी चीजें वीडियो में बताए हैं, उसमें बुक में लिखा हुआ है, बट डोंट बी दैट फ्रॉग, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट जंपिंग आउट ऑफ इट। जंप करना पड़ेगा नहीं तो आपकी हालत दयनीय स्थिति होने वाली, जैसे हमने अपने हॉस्पिटल्स में देखा। तो हम चाहते नहीं कि ऐसी स्थिति में हम लोगों को वेलकम करें जब वो उस बॉइलिंग फ्रॉग की तरह नियर डेथ के सामने पहुंच गए। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सेटअप एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अवर न्यू प्रोग्राम कॉल्ड क्योर एट द रेट 72 आवर्स थ्रू सर्केडियन ट्रायंगल। दिस इज अ सर्केडियन ट्रायंगल व्हिच कैन हेल्प यू टू कम आउट ऑफ द ट्रैप। और ये जो 7 है इसका 7 चेक पॉइंट्स है जिसके बारे में डॉक्टर वी आर सी ने आपको सारा समझाई दिया है। और जैसी आप ये अर्थिंग, अगर आपको किसी को शक हो कि ये अर्थिंग काम करता है नहीं करता है, तो वेरी सिंपल आप घर पर ही कर लीजिए, घर पे एक दिन करके देख लीजिए, करके देख लो। आप मेरी बात मत मानिए, आप 3-4 meter तार खरीदो, हाँ बस, और एक दो 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 जार पानी के और एक सेब खरीदो, काट के देख लो, बस काट के देख लो, एक दिन में आपको पता चल जाएगा, एक दिन भी छोड़ो 2-3 घंटे में पता चल जाएगा, है ना। तो दिस इज अ फ्री मेडिसिन, फ्री मेडिसिन, ये फ्री में, ऐसा नहीं सस्ते में, बिल्कुल बिल्कुल। ये ना धरती माता का फ्री प्रसाद आपको मिल रहा है, धरती माता के पास नहीं जा रहा है, वो खुद आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू डू इट। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये कोई मेरे बनाई हुई खोज नहीं है, मैं सिर्फ इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ। दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंस, इसमें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, सारा कुछ है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भाई ये जो लोग हैं, हम लोग जैसे हैं, हमारी आवाज थोड़ी धीरे साहब तक पहुंच रही है, और जो लोग आपको शोर बजावा जाके पहुंचा रहे हैं आप उन पे भरोसा कर रहे हैं। तो भरोसे का पैमाना ये नहीं कि क्या कितने लोगों को इन लोगों ने ठीक किया, भरोसे का पैमाना ये कि कितने लोग एक चीज बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, दैट इज द भरोसे का पैमाना, जिसकी वजह से ये कील आपको नुकसान पहुंचाती जा रही है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉट है वो कांच का ही होना चाहिए, ये कांच का हो तो ज्यादा अच्छा है, तो आपको ताकि जो प्लास्टिक का तो वो भी ऑक्सीडाइज करने में उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन इसमें क्या है कि अगर दोनों ही प्लास्टिक के हैं तो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, तब भी आपको इसकी वजह से जो फर्क है वो आपको क्लियरली दिखाई देगा। बेहतर है कि आप इसे कांच कर लें, आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा, ज्यादा अच्छा रिजल्ट। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, फ्लावर ले लें, सनफ्लावर, अच्छा 2 सनफ्लावर लग दें, अच्छा एक ही जितने एक ही टाइम पे तोड़े गए, और फिर 24 घंटे में देखें कि एक बुज उसका बिल्कुल झुक जाएगा, हाँ बुझा सा लगेगा और दूसरा खिला रहेगा। तो जो चीज फ्लावर को खिला सकती है वो वही चीज इंसान को भी जिंदा कर सकती है, राइट। हम भी तो एक फ्लावर की तरह ही, हम भी जिंदा कर सकती है, लेकिन ये चीज नॉर्मली बहुत प्रचारित नहीं होती है क्योंकि इसमें कोई पैसा का ट्रांजेक्शन नहीं है, राइट, ना ही कोई कॉपीराइट किया जाता कि दवाई है हम खूब सारी दवाई ले लें, राइट। ये दवाई फ्रीली पूरे अर्थ में है, कोई भी जाके ले सकता, गरीब से गरीब, गरीब से गरीब तो वो उनके जूते ही नहीं होते, वो सीधे कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो सर्दियों में भी देखें वो नंगे पैर बाहर घूमते हैं तो वो बहुत बुरी तरह से बीमार नहीं पड़ते नॉर्मली, बिकॉज जो मदर अर्थ बोलते हैं तो उसका जो एक प्रोटेक्शन है वो मिला होता है। एंड दैट इज, याद रखिए एक सिंपल बात कि आपकी जितनी सारी बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, वो उसका जो कॉमन डिनोमिनेटर फैक्टर दैट इज इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन का एक ही कारण है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, दैट कॉजेज फ्री रेडिकल। अब ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसको, धरती लिटरली इलेक्ट्रॉन देती है, इलेक्ट्रॉन देती है कि नहीं देती है, अगर ये पता करना हो आपको तो पता करने का यंत्र है हमारे पास, ये यंत्र आप किसी इलेक्ट्रिशियन से पूछेंगे, ये वोल्टमीटर से इलेक्ट्रॉन एक्चुअली आ रहा है कि वो दिखता है, दीज थिंग्स कैन बी डन। हमने पिछले वीडियो दिखाया था, हाँ, तो वो वन कैन रेफर, बहुत इजीली आपने देखा था कि कितना इजीली ये आपको दिखता है, सारे उसके ऊपर रीडिंग आती है कि वो जीरो हो जाता है, जैसे आप अर्थिंग से टच में आएंगे वो जीरो हो जाएगा, जीरो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे आपकी रीडिंग कम होती जाएगी, दैट इज व्हाट। तो यहाँ पे भी जब आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन आते हुए इसकी रीडिंग शुड बी जीरो, एंड दैट इज व्हाई इट इज हेल्पिंग टू रिड्यूस द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो सर जैसे ये तो सब बता दिया आपने कि घर पर इसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो घर पर नहीं करना चाहते हैं, या उनको नहीं समझ में आता है, या वो चाहते हैं कि आपके सुपरविजन में करें, तो ये क्या ये पॉसिबल है? देखिए बहुत अच्छा आइडिया है, और होना भी ऐसा चाहिए क्योंकि आपने अपनी हालत को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लिया, यू आर टेकिंग मल्टीपल काइंड ऑफ मेडिकेशंस, इंसुलिन एक्सेट्रा, खासतौर पर अगर डायबिटीज टाइप 1 बच्चे हैं, थैलेसीमिया के बच्चे हैं,
टाइप 2 डायबिटीज विद इंसुलिन डिपेंडेंट फॉर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड है, थायराइड के जो पेशेंट्स हैं, ओबेसिटी के पेशेंट हैं, जो जो मोटापा उनका कमी नहीं हो रहा जिसकी वजह से घुटनों वगैरह में दर्द है, अर्थराइटिस के पेशेंट हैं जिनको नींद नहीं आती, ये वाले जो पेशेंट हैं, डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, राइट, या सीकेडी इनिशियल स्टेज में है, क्रॉनिक किडनी डिजीज के इनिशियल स्टेज के पेशेंट्स हैं, तो अगर इनमें से कोई पेशेंट्स हैं तो और फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आप, मैं और मेरी मेडिकल टीम है जिसमें एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स हैं, जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, तो एक पूरी टीम के सुपरविजन में 3 दिन आप बिता सकते हैं हमारे हॉस्पिटल में, हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुड़गांव जो कि सेक्टर 42 में है, वहां पे पहला बैच हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम 2 दिसंबर, यानी कि 2nd, 3rd, 4th 3 दिन हमारे साथ रहिए और 3 दिन में हम सब ये करेंगे, 7 चेकपॉइंट जो है आपका एक एक करके करेक्ट करते जाएंगे और जैसे जैसे वो करेक्ट होता जाएगा आपके आंखों के सामने जादू होता जाएगा। जैसे हम देखते हैं ये जो प्रोग्राम है ये वियतनाम में, मलेशिया में ऑलरेडी चलता है, अभी तो लास्ट प्रोग्राम पिछले हफ्ते ही वियतनाम में मेरा फिनिश हुआ, चिन मिन शहर में, तो लोग हैरान होते हैं ये क्या हो रहा है कि जो ब्लड शुगर दवाइयों से भी नहीं कंट्रोल हो रहा था वो बिना दवाइयों कैसे नीचे जा रहा है। दीज आर ऑल लुक लाइक ए मैजिक बट इट इज अ साइंस, राइट। तो 3 दिन, इट इज 72 आवर्स, बी अंडर द सुपरविजन ऑफ माई डॉक्टर्स फॉर 72 आवर्स इन अवर हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल, फिलहाल हिम्स प्रीमियर गुड़गांव में, एंड बाय द एंड व्हेन यू गो बैक होपफुली आपका बॉडी आपके सारे पैरामीटर बिना दवाइयों के वैसे ही मेंटेन कर रहा होगा जो कि दवाइयों के साथ आप कोशिश कर रहे थे मेंटेन करने की। सो दैट इज क्वाइट पॉसिबल और उसका पहला बैच 2 दिसंबर से हम शुरू करेंगे। अच्छा, जैसे कोई आया आपके पास और आने के बाद उसने आपसे यहाँ पर हॉस्पिटल में आपके साथ रहा और जाने के बाद फिर वो सामान ही अरेंज नहीं कर पाता, वो कर पाता, उसके लिए क्या है? देखिए, हम ये समझते हैं कि जो पेशेंट आएगा, मान लो एक पेशेंट आता है वो नींद की भी दिक्कत है उसको, ब्लड शुगर की भी दिक्कत है, इंसुलिन टेपरिंग भी, इंसुलिन भी चल रहा है और साथ में उसको घुटने में दर्द है। जो भी पेशेंट आते हैं तो फायदा ज्यादा जब मल्टीपल वाले आते हैं क्योंकि उनको 3-3 चीजें दवाई तरह के मरीज हैं, 3-3 चीजों के और 3-3 तरह के दवाइयां चल रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि उनके लिए हम किट पहले से तैयार कर रखेंगे बेस्ड ऑन कि वो किस तरह के पेशेंट, उनके प्रोफाइल पहले से लेके तो मतलब ये कि जो भी लोग आना चाहते हैं तो डायरेक्टली ना आए, पहले तो अपना प्रोफाइल आपको भेजना पड़ेगा। प्रोफाइल भेजने के लिए bishrooprwp.com/72hours 72hrs में आप जाएंगे तो एक फॉर्म खुलेगा, उसमें अपना पूरा मेडिकल हिस्ट्री और मेडिकल कंडीशन लिख दीजिए, उसको हम देखेंगे और ये जज करेंगे क्या आप सुटेबल है इस कैंप के लिए और क्या हम फायदा पहुंचा सकते हैं। मान लो कोई एंड स्टेज किडनी पेशेंट है जो ऑलरेडी डायलिसिस पे है तो वो सुटेबल नहीं है, उनको तो हमारा जो रेगुलर हॉस्पिटल में 10 डे स्टे है, 15 डे स्टे है, उसमें जाना पड़ेगा। मान लो कोई बेड रिडन है, किसी को कैथेटर लगा हुआ है, किसी को फिस्टूला लगा है, वो भी सुटेबल नहीं है, राइट। जो तो स्टेबल कंडीशन में है, राइट, वही सुटेबल है फॉर 3 डेज, राइट। जो अनस्टेबल कंडीशन में है उनको तो रेगुलर जो हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए 10 दिन 15 दिन के लिए जो रुकते हैं तो उस फॉर्मेट में जाएंगे। लेकिन जो सिर्फ दवाइयों पे हैं और कोई ऐसा और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई फिस्टूला या कोई पाइप इस तरह के नहीं लगे हुए हैं, नाक से नहीं खाना उनको देना पड़ रहा है, राइट, कोई कॉन्सेंट्रेटर नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए 72 आवर्स है ना, 72 आवर्स, राइट। तो ऐसे लोग, फॉर एग्जाम्पल अभी जो बता रहा था, तो वो जब घर जाने लगेंगे तो उनके लिए हम पहले से किट तैयार करके रखेंगे जैसे हम करते हैं बाकी जगह पे, और उस किट में वो सारा मटेरियल होगा जो घर में उनको काम आएगा। अच्छा, तो जो चीज हम हॉस्पिटल में सिखाएंगे उसमें से ही हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है किट बना के उनको दे देंगे ताकि वो घर जाके इमीडिएटली उसको स्टार्ट कर पाए, जो कि वहाँ पे यहाँ पे जैसे 0 वोल्ट थेरेपी किट हो गया, राइट। मान लो किसी को घुटने में दर्द है तो घुटने का पंचकर्मा किट हो गया, तो उनको ना केवल हम ठीक करने की के लिए 7 चेकपॉइंट करेंगे बल्कि वो कैसे किया और घर पे कैसे करना है वो ट्रेनिंग भी इज अ पार्ट ऑफ इट। मतलब ये कि साथ में केयर टेकर भी अगर आ जाए पेशेंट के, उनके स्पाउस है या उनके बच्चे हैं, तो ज्यादा एडवांटेज है रादर देन कि आप अकेले आए, दैट इज वेरी वेरी, और छोटा सा ग्रुप होगा, वो छोटा सा हॉस्पिटल हमारा तो वहाँ छोटा ग्रुप होगा तो ज्यादा इंटरेक्टिव रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर जिंदगी के सारे कांटों को आपको हटाना है, राइट, ताकि आप ग्रेजुएट होकर इस हॉस्पिटल के का शिकार बनने के लिए तैयार ना हो रहे हो, तो जरूरत है कि एक बार उस बॉलिंग फ्रॉग सिंड्रोम से हटके आपको अपने नाक का नाक खोल के कुछ अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर टेकिंग योर लाइफ टू दीज मेडिकल माफिया की तरफ ही आप लेके जा रहे हैं। हालांकि ये कुछ अलग नहीं है, ये समझदारी का परिचय देना है बस और कुछ नहीं करना। Yes, आपको बेवकूफ नहीं बनना जिस तरह से बनाया जा रहा है, जिस तरह बनाया जा रहा है, इफ यू आर टेकिंग एनी मेडिसिन राइट नाउ तो आप बेवकूफ बनने के हिसाब ऑलरेडी हैं। और कमाल की बात ये है कि आप देखिए कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको थायराइड है, आपको हार्ट इश्यूज है या आपको डायबिटीज है,
आप किसके पास जा रहे हैं, उसने जिसने आज तक एक भी पेशेंट को ठीक नहीं किया, कमाल की बात है। देखिए मतलब करोड़ों लोग, पूरी दुनिया के करोड़ों लोग किसके पास जा रहे हैं जिसने आज तक एक पेशेंट को ठीक नहीं किया, एक पेशेंट ठीक नहीं किया। अब ठीक कैसे नहीं होंगे, अगर वो कोई ऐसा है कि जो डॉक्टर्स हैं कई बार उनके इंटेंशन अच्छे होते हैं, पर इंटेंशन से काम नहीं चलता। आपका जो बॉडी है, हमारे बॉडी है, वी आर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑल्सो, वी आर अ फिजिकल बींग ऑल्सो, वी आर अ केमिकल बींग ऑल्सो। तो अगर सिर्फ केमिकल प्रॉब्लम है तो केमिकल चीज फिर भी ठीक कर लेगी, लेकिन तीनों जब आप जोड़ेंगे नहीं, अपने सर्कैडियन ट्रायंगल को ठीक नहीं करेंगे, तो कोई चाह के भी ठीक नहीं कर सकता। पहले तो कोई चाह नहीं रहा, राइट, कि आप ठीक हो, और अगर कोई चाहेगा भी तो जब तक वो साइंस को, इट इज कॉल्ड मेडिकल इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ मिला दें तो, राइट, तो टू रिपेयर योर बॉडी, जिस तरह से गाड़ी की रिपेयरिंग करने के लिए, सर्विसिंग के लिए साल में एक आध बार हम भेज देते हैं, दो तीन दिन बाद गाड़ी ले आते हैं, फिर चमक जाती है गाड़ी। अब यही मान लीजिए सिंपल भाषा में कि सर्विसिंग के लिए आप मेरे पास आ रहे हैं, तो एक जैसे कि आपको पता है कि बहुत कम यहाँ पर सीटें हैं, बहुत कम लोग, शायद हॉस्पिटल इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि जल्दी जल्दी आपका नंबर आए। रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना, पहले तो फॉर्म भरना है, बस हम ये देखेंगे कि भाई हम आपको लाभ पहुंचा सकते हैं या नहीं, नंबर वन, या फिर कि आपको वाकई में आने की जरूरत है, या सिर्फ हमारे कुछ वीडियो से काम चल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर आप ज्यादा बीमार है कि आप सुटेबल ही नहीं है, तो पहले तो फॉर्म ही भरना पड़ेगा। वी विल चूज, राइट, इफ वी थिंक दैट यू कैन बी, वी कैन हेल्प यू इन सम वे, राइट, तभी आपको बुलाएंगे। मेन मकसद ये कि आप ठीक हो जाएं, घर पे रहकर ठीक हो तो भी ठीक है। अब सर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सब लोग ये जानना चाहेंगे, क्या आप वो तीन दिन वहां पर रहेंगे या टीम रहेगी? देखिए यहाँ पे दिस इज समथिंग वो जो आपने, आई वॉज अनअवेयर ऑफ दिस, बट लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। मेरे सुपरविजन में होगा, दैट मीन्स कि नॉर्मली वर्चुअली मैं रहता हूँ, लेकिन सिंस आपने सवाल पूछ ही लिया, तो पहले बैच में तीनों में से एक दिन में मैं आ जाऊंगा। अच्छा, तीन में से एक दिन आप रहेंगे वहां पे? आ जाऊंगा, मिलने आ जाऊंगा, रह लूंगा मैं। बहुत लोग ऐसा जो हमारी टीम बोलती है कि मुझसे मिलना चाहते हैं, याद रखिए कि मुझसे मिले ना मिले, एज लॉन्ग एज आप ये सारा कुछ कर रहे हैं तो आप ठीक हो ही जाएंगे, राइट, लेकिन फिर भी मिलने से एक अलग बात होती है, हम भी आपसे मिलना चाहते हैं, तो एनर्जी आती है, एनर्जी आती है, चेंज एनर्जी, तो दैट वे, तो पहले बैच के लिए आई विल बी प्रेजेंट फॉर सम टाइम, दैट इज फॉर श्योर। ओके, थैंक यू सो मच। और जैसा आपने देखा कि जो इन्होंने सर्कैडियन ट्रायंगल के बारे में बताया और ये सारी चीजें बताई, आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा अगर उठाना चाहेंगे, सबसे पहले घर पे करिए, इन सबको ट्राई कीजिए, और जैसा डॉक्टर बीआरसी ने बताया कि आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, और उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, इस लिंक पर जाकर फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत परेशानी है तो वो आपकी सॉल्व की जाएगी। कुछ और बताना चाहेंगे सर चलते चलते? चलते चलते ये बताना चाहेंगे कि भाई आप ये कसम खा लीजिए कि भाई यू विल नॉट बी ड्रग डिपेंडेंट, राइट, उसके लिए बहुत सारे तरीके जो हमने अभी तक दिए, आप इसी चैनल में बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, तो ये नौबत नहीं आएगी कि आप को हमारे तक आना पड़े, yes. जो कि हम चाहते भी नहीं है, yes. आप बस ये कसम खाइए, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, राइट, 2022 खत्म होने वाला है, कि अब जब नए साल कदम रखें तो ब्रांड न्यू गाड़ी की तरह कदम रखें, राइट, अपने रास्तों के कांटों को हटा दें हमेशा, तो बिना दवाई की जिंदा रहना, याद रखिए एक चीज, दुनिया में सबसे दुखदायी बात है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना, yes, 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 तो मैं आपको इससे फ्री करना चाहता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इज वेरी इजी एज अभी से लेकर 72 आवर्स। फिलहाल तो आप सब कुछ भूल के आप इस एक्सपेरिमेंट से अपना काम शुरू कीजिए, नंबर वन। नंबर टू, जो आखिरी बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि एटलीस्ट जीरो वोल्ट थेरेपी का छोटा मोटा आप प्रैक्टिस घर पे शुरू कर दीजिए, हो सकता है उसी से सारा कुछ ठीक हो जाए। ठीक होने से मतलब, ठीक होने से मतलब, एट द एंड ऑफ द डे आप करके देखिए, आपको फायदा मिलेगा, जरूर फायदा मिलेगा, 100% फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू ये सब बताने के लिए, जल्दी मिलते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।